Hello students, in previous video we have studied about the first step of metallurgy, in which we have studied about the concentration processes in which we have used different techniques, like we have used magnetic separation, like froth flotation method. So different type of methods we have used in this concentration method. Now we'll move to the second step of metallurgy, which is extraction of मेटल फ्रॉम ओर. अभी तक जो हमने वीडियो प्रीवियस वीडियो में देखा था मेटलर्जी के, हमने जो ओर थी उसमें से गैंग को सेपरेट किया था, मैट्रिक्स को सेपरेट कर दिया था. अब हम क्या कर रहे हैं, मेटल से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं. नाउ वी आर एक्सट्रैक्टिंग मेटल फ्रॉम ओर. तो सेकेंड स्टेप इज एक्सट्रैक्शन ऑफ ओर, सॉरी एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर. अब आपको याद करनी पड़ेगी जो केमिकल प्रॉपर्टीज में हमने मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी थी, थोड़ा सा ध्यान वहाँ खींचना पड़ेगा अपना, क्योंकि वहाँ पर हमने एक रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी थी जिसमें हमने पढ़ा था काशीनाथ का बड़ा मामा आलू ज़रा फीके से पकाता है. और उसके बाद जो मेटल थे उन मेटल्स में आपके कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम. ये आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है मेटल्स के केस में, ठीक है. अब आप देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव यहाँ पोटेशियम है, और उससे नीचे जो है सबसे नीचे आपका प्लेटिनम आता है, जो कि एक अनरिएक्टिव मेटल है. तो अगर हम गोल्ड एंड सिल्वर प्लेटिनम की बात करें यहाँ पे, तो ये दोनों नेटिव मेटल्स हैं. नेटिव का मतलब होता है कि जो मेटल ओर के फॉर्म में ना मिले, अर्थ क्रस्ट में खाली मेटलिक फॉर्म में मिले, उसमें केवल अर्थली इम्प्योरिटीज़ ही प्रेजेंट हो, बाकी कोई इम्प्योरिटी प्रेजेंट ना हो, ऐसे जो मेटल्स होते हैं उनको हम नेटिव मेटल्स कहते हैं. तो जनरली तो अगर हम देखें तो सिल्वर भी नेटिव स्टेट में मिलता है, लेकिन सिल्वर एक ऐसा मेटल है जो अपने ओर के फॉर्म में भी मिलता है. तो दोनों इस तरीके से मिलता है, कहीं ये मेटलिक फॉर्म में मिलेगा, एलिमेंटल फॉर्म में मिलेगा, और कहीं कहीं ये कंपाउंड्स के फॉर्म में मिलेगा, ओर्स के फॉर्म में, ठीक है. तो अब आपके पास बच गए ये वाले मेटल्स. अब इस पूरी रिएक्टिविटी सीरीज को हम तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं. एक मेटल जो कि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव आते हैं, एक ऐसी कैटेगरी. तो जो एल्यूमिनियम तक के मेटल्स हैं, दीज आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स, ओके, दीज आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स. अब अगर हम जिंक, आयरन और टिन एंड लेड तक आएं, तो ये ना तो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं और ना ही बहुत कम रिएक्टिव हैं. तो कैसे हुए ये, मॉडरेटली रिएक्टिव, दीज आर मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स, ओके. हाइड्रोजन नॉन मेटल है तो इसको हम इस सीरीज में नहीं लेंगे, क्योंकि हम यह मेटल का एक्सट्रैक्शन देख रहे हैं केवल. नाउ दिस कॉपर, मरकरी एंड सिल्वर, ये आ गए आपके लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स में. तो हमने एक्सट्रैक्शन के लिए इन मेटल्स को इनकी रिएक्टिविटी के ऑर्डर में ही तीन कैटेगरी में डिवाइड कर दिया. पहली कैटेगरी हाईली रिएक्टिव मेटल्स की, दूसरी मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स की हो गई, और तीसरी हो गई लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स की. अब क्योंकि रिएक्टिविटी डिफरेंट है इन सब की, इसीलिए इन सब कैटेगरीज को, जो डिफरेंट कैटेगरीज बनी हैं, इनके जो एक्सट्रैक्शन के तरीके होंगे ओर से जो हम मेटल निकालेंगे, वो भी अलग अलग होने चाहिए, क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर भी डिफरेंट है. तो सबसे पहले हम लेते हैं हाईली रिएक्टिव मेटल्स. तो बेसिकली अगर हम हाईली रिएक्टिव मेटल्स की बात करें, तो ज़्यादातर आप देखोगे कि हमने पढ़ा था, जब हमने अकरेंस पढ़ा था नॉन मेटल्स का, तो नॉन मेटल्स में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन और उसके बाद सिलिकन आता है. तो जितने भी मेटल के ओर होते हैं वो ज़्यादातर अपने ऑक्साइड के फॉर्म में होते हैं, ज़्यादातर मतलब 80% जो है वो ऑक्साइड के फॉर्म में होते हैं, कहीं ना कहीं, चाहे वो कार्बोनेट में हो,
चाहे वो सिंपल ऑक्साइड्स हो, कहीं ना कहीं ऑक्सीजन एलिमेंट ज़रूर प्रेजेंट होगा उसमें। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो क्लोराइड्स के फॉर्म में होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो सल्फाइड के फॉर्म्स में होते हैं। तो जो पोटेशियम और सोडियम है, ये दोनों आपके क्लोराइड्स के फॉर्म में मिलेंगे आपको, ठीक है। तो नाउ हम फर्स्ट कैटेगरी अब डिस्कस करने जा रहे हैं, हाईली रिएक्टिव मेटल्स की। सो एक्सट्रैक्शन ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल्स, अब हम कर रहे हैं हाईली रिएक्टिव मेटल्स का एक्सट्रैक्शन, जिसमें से अब इसको कैसे करते हैं, सिंपल हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन कर सकते हैं इसका। सो इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन पहला स्टेप सब में सेम रहेगा, चाहे आप किसी भी तरीके की कैटेगरी ले लें, चाहे वो आप ऊपर वाली कैटेगरी, बीच वाली लें या लास्ट वाली लें। पहला स्टेप जो मेटलर्जी का है कंसंट्रेशन है, और कंसंट्रेशन का स्टेप जो है वो सब में फॉलो होगा। तो ये सेकंड स्टेप हम देख रहे हैं एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन में जो पहली कैटेगरी हम देख रहे हैं हाईली रिएक्टिव मेटल की, जिसमें अगर आप इलेक्ट्रिसिटी पास करें इस मोल्टेन मेटल मेटलिक ओर के अंदर, तो क्या हो जाएगा, मेटल अलग हो जाएगा और जो भी अदर कम एलिमेंट है वो उसमें से अलग हो जाते हैं। इट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। तो अगर हम पोटेशियम की बात करें, पोटेशियम जो है वो क्लोराइड्स के फॉर्म में इसका ओर होता है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं चिले सॉल्ट पीटर। सोडियम क्लोराइड, सोडियम का ओर है जिसको हम रॉक सॉल्ट भी बोलते हैं, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड चिले सॉल्ट पीटर, नॉट चिले, ठीक है। ऐसे ही पोटेशियम नाइट्रेट के फॉर्म में भी होता है, नाइट्रेट जिसको हम बोलते हैं, और आपका जो एल्यूमिनियम है वो ऑक्साइड्स के फॉर्म में होता है ओर में, जिसको हम क्या कहते हैं, बॉक्साइट कहते हैं। तो दीज आर द मेन ओर ऑफ पोटेशियम, सोडियम एंड एल्यूमिनियम। अब हम कैसे इनका एक्सट्रैक्शन करें, तो हमने कहा कि हम इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन कर रहे हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन करने का मतलब है वी आर पासिंग इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम दिस मोल्टन ओर, ठीक है। हमने पहला जो हम देख रहे हैं एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर वन, एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम मेटल फ्रॉम रॉक सॉल्ट और NaCl। रॉक सॉल्ट से हम क्या कर रहे हैं, एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं सोडियम मेटल का बाईपासिंग इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी आप सॉलिड फॉर्म में तो पास करेंगे ही नहीं, क्योंकि ये आयंस में ब्रेक होगा नहीं, इसलिए आप इसको पहले आपको इसको मोल्टन बनाना पड़ेगा। और यहाँ पे हम एक्वा सोल्यूशन भी नहीं ले सकते हैं, एक्वा सोल्यूशन जैसे ही आप यहाँ पे लोगे तो NaOH का फॉर्मेशन हो सकता है, तो मेटल आपको नहीं मिलेगा। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको मेल्ट करेंगे। तो पहले इसको गर्म करके इसको मेल्ट कर लिया जाता है। सो मेल्टेड हमने लिया, मेल्टेड मोल्टन फॉर्म में सोडियम क्लोराइड, एंड वी हैव पास्ड इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम इट। जैसे ही हमने इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास की, दिस सोडियम विल ब्रेक डाउन इनटू सोडियम आयन एंड क्लोराइड आल्सो फॉर्म। तो यहाँ पे दो तरीके के आयन बने, एक सोडियम पॉजिटिव आयन, सोडियम कैटायन और क्लोराइड एनायन। ओके, अब आपका ये बन गया, ठीक है। अब एक बार हम पिक्चर के हेल्प से भी देख लेते हैं कि पूरा प्रोसेस होता क्या है। हमने हमेशा जब भी इलेक्ट्रिसिटी करवाते हैं तो हम एक कंटेनर लेते हैं, उस कंटेनर में अब क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी पास करानी है तो हमको दो इलेक्ट्रोड लगाने पड़ेंगे। सो वी हैव टेकन टू इलेक्ट्रोड्स हियर, वन इज कॉल्ड एनोड जो कि आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से बैटरी कनेक्टेड रहेगा, जिसको हम एनोड कहेंगे। तो ये आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड हो गया, और ये बैटरी के नेगेटिव से कनेक्टेड है, तो इसको हम क्या कहेंगे, कैथोड, विच इज नेगेटिव इन नेचर। और फिर आपको इलेक्ट्रिसिटी पास करने के लिए यहाँ एक इलेक्ट्रोलाइट का होना भी ज़रूरी है, तो हमने यहाँ पे ले लिया मोल्टन फॉर्म में रॉक सॉल्ट। अब यहाँ आपने मोल्टन NaCl लिया है, मोल्टन फॉर्म में लिया है,
देन इट विल ब्रेक डाउन इन टू आयन. तो यहाँ पे अगर हमने यहाँ स्विच लगाया होता तो जैसे ही आप स्विच ऑन करेंगे इलेक्ट्रिसिटी विल स्टार्ट पासिंग थ्रू इट एंड NaCl विल ब्रेक डाउन इन टू सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन. देन वॉट विल हैपन, अब क्योंकि सोडियम पॉजिटिव है किस पे जाना चाहिए, नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे. नाउ इट विल मूव टू कैथोड, कैथोड पे जाएगा ये. कैथोड पे क्या होना चाहिए, जो रिएक्शन होगी कैथोड पे, हमेशा याद रखो जब भी इस तरीके का इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस होता है कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होता है. उसके लिए मैंने आपको पहले भी एक कीवर्ड बताया था, रेड कैट एन ऑक्स रिडक्शन ऑन कैथोड एनोड ऑक्सीडेशन. ये हम यहाँ जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की बात कर रहे हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट लगेगा रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का. तो अगर हम बात करें कि रिडक्शन क्या है इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट में, तो रिडक्शन होता है एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना रिडक्शन कहलाता है, और इलेक्ट्रॉन को लूज करना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है. तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहलाता है रिडक्शन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, जिसके लिए हमको कीवर्ड एक हमने पढ़ा भी था फर्स्ट चैप्टर में, ऑयल रिग. ऑक्सीडेशन इज लूज, ऑक्सीडेशन इज लूज, इट मीन्स लॉस किसका हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो ऑक्सीडेशन इज लॉस एंड रिडक्शन इज गेन, रिडक्शन इज गेन मतलब इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है. इस चीज को, इस कीवर्ड्स को, ये दो कीवर्ड्स आपको इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट में जब भी आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे बड़ी क्लासेस में भी अगर आप ये ध्यान रखेंगे तो कभी भी नहीं भूलेंगे कि रिडक्शन क्या है और ऑक्सीडेशन किस एंड पे होता है, रिडक्शन किस एंड पे होता है, ठीक है. हमने कहा कि रिडक्शन कैथोड पे हो रहा है, तो सोडियम आयन पॉजिटिव है, इट विल मूव टू कैथोड, कैथोड पे जाके अब पॉजिटिव है सो इट विल एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है. तो एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना है क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज मिलके इसको न्यूट्रल कर देंगे, सो इट विल डिपॉजिटेड. तो धीरे 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 जितना भी सोडियम है वो मूव करता चला जाएगा यहाँ पे और इस कैथोड के ऊपर डिपॉजिट होता चला जाएगा. ओके, तो सोडियम मेटल हमको मिल गया कैथोड के ऊपर. नाउ अब बारी आती है क्लोराइड आयन की, क्योंकि नेगेटिव है तो इट विल मूव टू द एनोड, और एनोड पे क्या चीज़ होनी है, एनोड पे होना है ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन क्या है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो ऑब्वियसली एक नेगेटिव आयन है सो इट विल लूज एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ ये लूज करेगा एंड इट विल फॉर्म क्लोरीन गैस. ठीक है, अब यहाँ मैंने सिंगल इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया इसलिए मैंने सिंगल क्लोराइड दिखा दिया, अदरवाइज क्लोरीन हमेशा डायएटॉमिक होता है. तो यहाँ टू दिखाएंगे तो हर जगह आपको इधर टू करना पड़ेगा, तो फिर यहाँ भी टू करना पड़ेगा और ऊपर यहाँ भी आपको टू करना पड़ेगा क्योंकि ये पूरा बैलेंस तभी होगा जाके, ठीक है. तो यहाँ दो इलेक्ट्रॉन इसने लूज किए तो क्लोरीन गैस इवॉल्व हो गई. अब ये गैस जो है ये एनोड पे जाके एटमॉस्फेयर में चली जाएगी. तो इस तरीके से एनोड पे ऑक्सीडेशन हुआ जिसकी वजह से क्लोरीन निकली और कैथोड पे आपको मेटल मिल गया. तो ये एक्सट्रैक्शन मेथड था आपका, रॉक सॉल्ट से हमने सोडियम को जब ऑब्टेन किया. नेक्स्ट हम जो एग्जांपल देख रहे हैं, एग्जांपल नंबर टू, वी आर एक्सट्रैक्टिंग एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम एलुमिना. एलुमिना का फॉर्मूला होता है Al2O3, ठीक है. एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम एलुमिना. अब एलुमिना क्या होता है तो एक बार रिकैप करते हैं कंसेंट्रेशन को. एल्यूमिनियम का जो ओर हमने देखा, एल्यूमिनियम का जो ओर है वो बॉक्साइट ओर है, Al2O3 डॉट
H2O, ये बॉक्साइट ओर है। इसके अंदर आपको पानी के एटम्स भी दिखाई दे रहे हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी दिखाई दे रहा है। तो अब हमें इस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को हटाना है, इसमें कुछ अर्थली इम्प्योरिटीज़ हैं उनको हटाना है। तो हमने इसका लीचिंग प्रोसेस, जो बेयर्स प्रोसेस पढ़ा था, केमिकल ट्रीटमेंट पढ़ा था कंसनट्रेशन का, वो हमने पहले इसमें अप्लाई करा। तो पहला प्रोसेस हमेशा कंसनट्रेशन होता है, तो हमें कंसनट्रेशन उसमें करना ही करना है। सो वी हैव अप्लाइड कंसनट्रेशन मेथड, जिसमें हमने लीचिंग किया। तो लीचिंग से अब बॉक्साइड ओर जो है, जब आपने इस पे बेयर्स प्रोसेस अप्लाई कर दिया, बेयर्स प्रोसेस से आपको एलुमिना मिल गया। ये आपका कंसनट्रेटेड ओर है एलुमिनियम का, बॉक्साइड से ही एलुमिना तैयार हुआ। ठीक है, अब इस एलुमिना में से हमें इस ऑक्सीजन को अलग कर देना है, जिसकी वजह से क्या होगा, एल्युमिनियम मेटल हमको मिल जाएगा। और ऑक्सीजन के रिमूवल को ही आप क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। इसलिए हमने इस प्रोसेस का नाम क्या रखा है, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। ठीक है, अब आते हैं इसके प्रोसेस पे। तो सेम वही, जैसे आपने हमने कंटेनर लिया था यहाँ पे, सेम वही इलेक्ट्रोलिटिक कंटेनर हम यहाँ लेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाएंगे एक तरीके से। तो हमने यहाँ पे एक कंटेनर ले लिया। ठीक है, अब इस कंटेनर में हमने सेम जैसे पहले दो इलेक्ट्रोड लगाए थे, इसी तरीके से हमने यहाँ भी दो इलेक्ट्रोड लगा दिए, और एक को पॉजिटिव टर्मिनल से और एक को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। ये होगा आपका एनोड और ये हो गया कैथोड। अब एक इलेक्ट्रोलाइट फिल करने की ज़रूरत है, तो ऑब्वियसली हम यहाँ पे एल्युमिनियम का एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, तो एलुमिना को मोल्टेन फॉर्म में हम इसमें यहाँ पे फिल कर देंगे। ठीक है, अब मोल्टेन फॉर्म में मतलब मेल्ट करके हमने इसको फिल कर दिया। अब क्या होगा, जैसे ही आप इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, दिस एल्युमिनियम ऑक्साइड इट विल ब्रेक डाउन इनटू एल्युमिनियम। एल्युमिनियम पे चार्ज होता है पॉजिटिव 3, दो आयन बनेंगे क्योंकि यहाँ टू एटम लिखे हुए, एटोमिसिटी 2 है यहाँ पे। इसी तरीके से ऑक्साइड आयन बनेगा जिस पे 2 माइनस का चार्ज होता है और 3 एटम है, तो यहाँ पे आप 3 एटम दिखा देंगे। तो ये हो गया एल्युमिनियम आयन विच इज कैट आयन, ये आपका ऑक्साइड आयन हो गया जो कि नेगेटिव आयन होता है। सेम वही चीज़ होगी, इट विल मूव टू द कैथोड, पॉजिटिव आयन है कैथोड पे मूव करेगा, तो क्या होगा, रिडक्शन का प्रोसेस होगा। इट मीन इट विल एक्सेप्ट कितने इलेक्ट्रॉन, जितना चार्ज है 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा एक एल्युमिनियम एटम न्यूट्रल बनने के लिए। अब यहाँ पे 2 है एल्युमिनियम के एटम है, तो क्या करेंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेंगे। सो रिएक्शन क्या बनेगी, 2Al3+ 6 इलेक्ट्रॉन। एक एल्युमिनियम होता तो वो 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता, यहाँ 2 एटम है तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, 2 से 3 2 जा 6, 6 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे ये, एंड इट विल चेंज इनटू एल्युमिनियम मेटल रिडक्शन के थ्रू। यहाँ पे एल्युमिनियम मेटल आपके यहाँ इस पे स्टिक हो जाएगा जाके इस कैथोड पे, और फिर हम उसको निकाल लेंगे बाय अदर केमिकल प्रोसेस। अब एनोड पे ऑक्सीडेशन होना है, इट मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा तब ये न्यूट्रल एटम में चेंज होगा। यहाँ 3 एटम्स हैं, 3 एटम्स आर देयर, 3 2 जा 6, यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, उसके बाद ऑक्सीजन गैस रिलीज हो जाएगी। सो इट विल लॉस 6 इलेक्ट्रॉन एंड ऑब्टेन ऑक्सीजन गैस, और ये ऑक्सीजन गैस जो है ये चली जाएगी आपकी एटमॉस्फेयर के अंदर। तो इस तरीके से एल्युमिनियम मेटल हमें इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन से कहाँ मिल गया, आपको इस पे कैथोड पे मिल गया, और एनोड पे ऑक्सीजन गैस रिलीज हो जाएगी। तो ये था केस कि जब हमने हाईली रिएक्टिव मेटल्स देखे, तो इन सारे हाईली रिएक्टिव मेटल्स के लिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन मेथड। ओके, नाउ वील मूव टू द लीस्ट रिएक्टिव मेटल। ठीक है, अब हम
इधर की तरफ मूव करेंगे और सबसे एंड में डिस्कस करेंगे मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स को। लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स में हमारे पास ये पांच मेटल्स हैं। इन पांच मेटल में से इन दो को तो हमको डिस्कस करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ये तो नेटिव फॉर्म में ही होते हैं, तो इनका तो कोई मेटलर्जिकल प्रोसेस है नहीं इस तरीके का। इसमें से केवल अर्थली इम्प्योरिटीज़ को हटा दिया जाता है, तो वो हम कंसनट्रेशन मैथड में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम आ रहे हैं यहाँ कॉपर पे, मरकरी पे और सिल्वर पे। ये तीनों जो हैं बेसिकली अपने सल्फाइड के फॉर्म में मिलते हैं, ठीक है। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ मेटल्स, सेकेंड कैटेगरी मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स। हम एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं मॉडरेटली रिएक्टिव ओर से उन मेटल्स को, तो इसके अंदर कॉपर, कॉपर जो है वो सल्फाइड ओर के फॉर्म में मोस्ट प्रोबेबली मिलता है, इट इज़ कॉल्ड कॉपर ग्लांस, ओके। इसी तरीके से मरकरी, इट इज़ ऑल्सो फाउंड इन इट्स सल्फाइड फॉर्म, मर्क्यूरिक सल्फाइड, इसको हम कहते हैं सिनेबार। तो ये नाम आपको और इसके फॉर्मूले बिल्कुल याद रखने की ज़रूरत है क्योंकि एग्जामिनेशन में, बोर्ड के एग्ज़ाम में भी नाम से ही क्वेश्चन आते हैं, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं मिलेगा, ठीक है। अब आपका आ जाता है सिल्वर, इसका जो सल्फाइड ओर है उसको हम कहते हैं अर्जेंटाइट, समझ गए। अब देखो हमारे पास ये तीन ओर हैं, तीनों देख रहे हैं आप सल्फाइड ओर हैं। अब सल्फर को रिमूव करना बहुत मुश्किल है, अलग अलग इसको हमें जो मेटल चाहिए उसके लिए हमें इसे सल्फर को यहाँ से हटाना पड़ेगा, तो इसके लिए सबसे पहले हमें इसको ऑक्स के ऑक्साइड में चेंज करना पड़ेगा। तो इस एक्सट्रैक्शन मेथड में दो स्टेप होते हैं, पहले सल्फाइड ओर को चेंज किया जाता है, इट विल बी चेंज इनटू ऑक्साइड फॉर्म, और सेकेंड स्टेप में इसी ऑक्साइड फॉर्म से हम रिडक्शन करते हैं, रिडक्शन विल बी डन हियर, और इस रिडक्शन के बाद हमको मेटल जो है वो मिल जाता है। तो अब सल्फाइड ओर से जो ऑक्साइड फॉर्म बन रही है यहाँ पे, इस प्रोसेस को हम कहते हैं रोस्टिंग, ठीक है। तो हम पहले एग्जांपल ले लेते हैं कॉपर ग्लांस Cu2S, ठीक है। इससे हम कैसे कॉपर को ऑब्टेन करेंगे, उसके लिए पहला प्रोसेस जो है वो रोस्टिंग का रहेगा। पहला प्रोसेस रोस्टिंग, रोस्टिंग में हमने क्या पढ़ा हुआ है, रोस्टिंग जो है बेसिकली इट्स अ प्रोसेस इन विच द सल्फाइड ओर, जो सल्फाइड ओर आपने लिया है उसको गर्म किया जाता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन दैट ओर विल बी हीटेड। बट ये ध्यान में रखना है कि टेम्परेचर उतना ही रहना चाहिए इसकी, ये मेल्ट ना हो, मीन्स बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट आपको इसको गर्म करना है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। सो रोस्टिंग क्या है, द प्रोसेस इन विच ओर इज हीटेड, ये हम कंसनट्रेटेड ओर की बात कर रहे हैं क्योंकि फ्रॉड फ्लोटेशन मेथड से हमने सल्फाइड ओर को कंसनट्रेट कर लिया है। सो अब हम इसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, द प्रोसेस इन विच ओर इज हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। अब ये आपको चीज़ ध्यान में रखनी है कि रोस्टिंग जो है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही होती है, हमेशा ऑक्सीजन के एब्सेंस में नहीं होती है ये, ठीक है। हुआ क्या इसमें, रिएक्शन क्या हुई, हमने यहाँ पे लिया था कॉपर ग्लांस, ठीक है, आपने इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में गर्म किया तो सल्फर निकल जाएगा इसमें से एंड इट विल चेंज इनटू इट्स ऑक्साइड फॉर्म, और बनेगा क्या, सल्फर डाई ऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है। अब हम इसको बैलेंस कर लेते हैं, 3 2 6, नाउ
टू 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 और टू फोर, टू टू जा फोर टू, ठीक है, टू टू जा फोर और टू सिक्स, और ये हो गया आपका बैलेंस इक्वेशन। तो ये तो कॉपर ग्लांस था, दिस कॉपर ग्लांस विल बी चेंज इन टू क्यूप्रिक ऑक्साइड। अब हम आसानी से इस ऑक्सीजन को यहाँ से अलग करके रिडक्शन करके हम कॉपर मेटल हमको मिल जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप जो था इसका बी स्टेप था, जिसमें हमने इसको रिडक्शन करना था। सो रिडक्शन ऑफ क्यूप्रिक ऑक्साइड Cu2O। अब हम इसका रिडक्शन करेंगे, तो रिडक्शन में आप दो मेथड अप्लाई कर सकते हैं। कॉपर के केस में आप इसको बहुत तेज़ टेम्परेचर पे गर्म कर दीजिए, या फिर आप क्या कर सकते हैं इसमें सल्फर, इसमें जो सेल्फ रिडक्शन कर सकते हैं। सेल्फ रिडक्शन का मतलब है कि हम इसका थोड़ा सा सल्फाइड ओर ले लें, और वो जो सल्फाइड ओर की प्रेजेंस में आप इसको गर्म करेंगे तो वो ऑटो रिडक्शन हो जाएगा, और सेल्फ रिडक्शन हम उसको बोलते हैं। तो अगर हम हीटिंग कर रहे हैं, पहला मेथड है कि बाय हीटिंग आप इसको, अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर लिया आपने और उस टेम्परेचर पे आपने इसको गर्म कर दिया, तो होगा क्या, दिस क्यूप्रिक ऑक्साइड व्हेन इट गेट हीटेड एट हाई टेम्परेचर, सो इट विल बी चेंज इनटू कॉपर प्लस ऑक्सीजन इवॉल्व हो जाएगी और कॉपर मेटल आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट मेथड कैन बी ऑटो रिडक्शन, तो ये आप और में लिख सकते हैं, या आप हीट कर लो या तो आप इसका ऑटो रिडक्शन कर लो। तो ऑटो रिडक्शन मैंने आपको बताया कि ऑटो रिडक्शन के केस में हम इस ऑक्साइड के साथ साथ इसका थोड़ा सा सल्फाइड और इसके साथ ले लेंगे और फिर हीट करेंगे। तो इसमें हमें रिएक्शन क्या आएगी कि हमने लिया इसका ऑक्साइड फॉर्म, ठीक है, ऑक्साइड फॉर्म लिया और इसके सल्फाइड फॉर्म से ही इसको हमने और इसके साथ ही हीट कर दिया। ये कहलाता है आपका ऑटो रिडक्शन या फिर सेल्फ रिडक्शन। आपने इसको गर्म किया, गर्म करने से इट विल चेंज इनटू कॉपर मेटल एंड सल्फर डाइऑक्साइड गैस विल इवॉल्व इन द एटमॉस्फेयर, ठीक है। इसको अब हम थोड़ा सा बैलेंस कर लेते हैं। सो नाउ इट बिकम्स 3Cu एंड SO2। तो कॉपर मेटल जो है आपको आफ्टर रिडक्शन मिल जाएगा, आफ्टर सेल्फ रिडक्शन और बाय हीटिंग। ये था, हमने एक्सट्रैक्शन किया कॉपर का फ्रॉम इट्स ओर कॉपर ग्लांस, ठीक है। दूसरा जो एग्जांपल हम ले रहे हैं वो ले रहे हैं सिनेबार। सिनेबार ओर में होता है मरकरी। मरकरी जो है वो सल्फाइड फॉर्म में है, अपने सल्फाइड स्टेट में है, कंपाउंड फॉर्म में है। अब हम इसको पहले कंसंट्रेशन करेंगे, तो कंसंट्रेशन में आपको पता ही है कि हमको फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड करना होता था। सेकंड स्टेप हम एक्सट्रैक्शन का कर रहे हैं। एक्सट्रैक्शन करने के लिए सबसे पहला स्टेप रोस्टिंग, क्योंकि सल्फर है तो रोस्टिंग करनी ही करनी पड़ेगी आपको। आपने किया रोस्टिंग, रोस्टिंग करने पर इस सल्फाइड ओर को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हमने गर्म किया है। मैं लैंग्वेज नहीं लिख रही हूँ, लेकिन जब भी इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं तो यू हैव टू राइट इट्स लैंग्वेज ऑल्सो, ठीक है। बहुत लैंग्वेज लिखने में वीडियो काफ़ी जो उसका टाइमिंग है बहुत ज़्यादा हो जाएंगे ड्यूरेशन, तो इट विल क्रिएट प्रॉब्लम इन अपलोडिंग ऑल्सो। तो आई एम नॉट राइटिंग द लैंग्वेज, बट इफ़ यू राइट एनी आंसर देन यू हैव टू राइट द होल लैंग्वेज ऑल्सो। सो वी आर टेकिंग सिनेबार और रोस्टिंग किया। रोस्टिंग का मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम इसको हीट कर रहे हैं। बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट ये चेंज हो जाएगा अपने ऑक्साइड फॉर्म में, सल्फर डाइऑक्साइड गैस विल इवॉल्व। तो ये आपका मर्क्यूरिक सल्फाइड है, तो इससे बनेगा आपका मर्क्यूरिक ऑक्साइड। अब इस ऑक्सीजन को रिमूव करना है, तो रिडक्शन मेथड है। तो रिडक्शन हम कर रहे हैं
इसके ऑक्साइड फॉर्म का, मर्क्यूरिक ऑक्साइड का रिडक्शन करने के लिए अगेन टू मेथड वी कैन डन बाय हीटिंग. आइदर बाय हीटिंग और आइदर बाय सेल्फ रिडक्शन. हीटिंग अगर आप करेंगे इस ऑक्साइड ओर को बहुत तेज टेम्परेचर पे गर्म किया तो मरकरी आपको मिल जाएगी एंड ऑक्सीजन विल बी इवॉल्व इन द एटमॉस्फेयर. ये मेटल आपको मिल जाएगा आफ्टर रिडक्शन. सेकेंड स्टेप वी कैन डू, तो और लगा देते हैं हम दोनों में से कोई सा भी मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे सेल्फ रिडक्शन. सेल्फ रिडक्शन हम जब भी करते हैं, अभी मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम और ले लेते हैं ऑटो रिडक्शन जब भी करते हैं तो हम इस ऑक्साइड फॉर्म के साथ थोड़ा सा सल्फाइड और इसका ले लेते हैं. हमने सिनेबार का थोड़ा सा पोर्शन ले लिया यहाँ पे. नाउ वी आर हीटिंग इट. अब आपने हीट किया जैसे ही तो क्या हो जाएगा, इट विल बी चेंज इनटू सल्फर डाइऑक्साइड और मरकरी जो है आपको आफ्टर रिडक्शन मिल जाएगा. तो इस तरीके से हमने इस वीडियो में देखा कि कैसे हम हाईली रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव मेटल्स को, लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, बट यू हैव टू रीड द एनसीईआरटी बुक ऑल्सो बिकॉज इट्स मैंडेटरी टू रीड एनसीईआरटी बुक फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन बिकॉज वी आर प्रिपेयरिंग फॉर बोर्ड. इसलिए आपको उस बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करने के लिए ही आपको एनसीईआरटी बुक पढ़ना बहुत ज़रूरी है. फर्स्ट जो प्रायोरिटी आपकी रहनी चाहिए वो एनसीईआरटी बुक ही रहनी चाहिए और नेक्स्ट आप कोई भी रेफरेंस बुक आप उसमें यूज़ कर सकते हैं फॉर बेटर एक्सप्लेनेशन, क्योंकि उसमें लैंग्वेज जो है एनसीईआरटी बुक में बहुत ज़्यादा नहीं होती है तो आप एक्सप्लेनेशन के लिए वहाँ यूज़ कर सकते हैं. बट फर्स्ट प्रायोरिटी इज ऑफ योर एनसीईआरटी बुक. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो. ओके, नाउ गुड बाय.